सरकार के तमाम आदेशों एवं दावों के बाद भी लोगों को 18 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। कभी कभी रोस्टिंग तो कभी लोकल फॉल्ट व ट्रिम्पिंग की समस्या से लोग आजीज आ चुके हैं। गर्मी व उमस से बेहाल लोगों में बिजली विभाग के प्रति गुस्सा पनप रहा है। बिजली के बेकाबू होते हालात कभी भी शांत व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। बिजली को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से हाय तोबा मची हुई है। पावर कॉरपोरेशन के स्थानीय अधिकारी हालात काबू नहीं कर पा रहे हैं, इससे लोगों में दिन ब दिन गुस्सा पनप रहा है। तकरीबन एक सप्ताह से बिजली के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। दिन में तो बार बार ट्रिम्पिंग हो रही है, इससे घटते बढ़ते वोल्टेज से लोग तंग आ चुके हैं। वहीं दिन में 3 से 4 बार रोस्टिंग के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है। भरावन 220 से 1 से 2 घंटे की दिन में कई बार रोस्टिंग बताई जा रही है। इसके अलावा ओवरलोड के नाम से स्थानीय स्तर पर 2 से 3 घंटे की कटौती की जा रही है। बिजली सप्लाई में लोकल फॉल्ट भी आड़े आ रहे हैं। रविवार की सुबह भरावन में फॉल्ट के कारण कई घंटे के लिए बिजली गुल हो गई। नागरिकों का कहना है कि शासन के आदेशों के बाद भी 18 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। 10 से 14 घंटे सप्लाई में ही लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी बदतर है। जखवा कुकुर आदि फीडर तो अक्सर 5 से 10 घंटे ब्रेक डाउन रहते हैं। इससे एक और गर्मी में लोग परेशान हैं, तो वहीं किसान भी बेहाल है। अंधाधुंध बिजली कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा पनप रहा है। यहां भी लोगों में गुस्सा पनप रहा है। नेवादा खिलोल गडरिया खेड़ा सांडा उसरहा निखुरी मझिगवा गोड़वा खेम आदि गांव में दिक्कत है। ग्रामीण बिजली से परेशान है। 18 घंटे मिलेगी बिजली, शासन के आदेश ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे बिजली सप्लाई के हैं। अगर किसी कारण से बिजली की कटौती की गई है तो उसकी भरपाई की जाएगी। भरावन क्षेत्र में कटौती के सवाल पर कहा कि इस बारे में जानकारी दी जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।